हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हेल्दी खट्टी मीठी आंवला कैंडी। तो चलिए बिना देरी के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आंवला लिया है, जिसे मैंने वॉश कर लिया है। तो आंवला मेरा फ्रेश ही है, अभी आपको इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। आंवले को कुकर में डाल देंगे, हाफ कप पानी डालेंगे, कुकर में ढक्कन लगा देंगे, दो सीटी लगने तक इसे कुक कर लेंगे। तो गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो सीटी ठंडा हो गया है, अब मैं ढक्कन को निकालूंगी और आंवले को चेक कर लेते हैं कि आंवला पका है या नहीं। तो इस तरीके से बहुत गर्म है, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इजीली इस तरीके से पीसेस में निकल रहे हैं, जिसे पूरी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जितने देर सीटी ठंडा हो रही है, तब तक मैं ड्राई मसाले रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैं 1 टेबल स्पून जीरा ली हूँ, 1 टी स्पून हींग ली हूँ, 1 टी स्पून ही अजवाइन ली है। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो रोस्ट हो गया है, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेते हैं। आंवला ठंडा हो गया था, तो मैं इस पीसेस में इस तरीके से देखिए मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए, आपको मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से इजीली पीसेस में निकल जाते हैं, और ये जो गुठली है इसको हटा देंगे। मिक्सिंग जार में आंवले के पीसेस को डालेंगे, इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आंवले को मैंने पीस लिया है, ये देखिए फाइन पेस्ट रेडी है। सबसे पहले आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन ले लीजिएगा, क्योंकि ये पकाते समय ये थोड़ा चिपकते हैं। तो मैं आंवले के पेस्ट को पहले 2 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे आपको चलाते जाना है। तो पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और ये हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है, देखिए। फिर इसमें 1 कप गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैं बारीकी तोड़ ली थी, और इसे भी चलाते हुए इसे मेल्ट होने देंगे। तो गुड़ मेल्ट होने लगा है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो जीरा अजवाइन हींग का जो मैंने रोस्ट करके पाउडर तैयार की थी, 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगी और इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। 1 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, 1 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। आंवले खाना तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही स्किन और बालों के लिए ये भी बहुत फायदेमंद होता है। तो इस कैंडी को आप जरूर एक बार बनाएं। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे मिक्स कर लेंगे। कैंडी को चटपटा करने के लिए मैं इसमें 1/4 कप आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप इसके जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। मिक्सचर थिक होने लगा है, पैन से छोड़ने लगा है, तो बस इसमें 1 टी स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बाउल में मिक्सचर को निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही गर्म है। मिक्सचर ठंडा हो गया है, चीनी को मैं पीस के एक बॉल में निकाल ली हूँ। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, जिस तरीके से मार्केट में कैंडी मिलती है। अगर आपको लग रहा है हल्का सा चिपचिपा जैसा, तो पाउडर शुगर में हल्का सा कोट करते हुए इसकी गोलियां बना लीजिएगा, और इसे चीनी पाउडर में कोट कर लेंगे। ये देखिए,
औला कैंडी कितना अच्छा तैयार हुआ है। और हल्का सा इसे इससे डस्ट करते हुए निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी शुगर पाउडर है वो हट जाए। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको गोलियां बना लेना है और पाउडर शुगर में कोट कर लेंगे। इसे हल्का सा इस तरीके से डस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे मैं रेडी कर लेती हूँ। खट्टी मीठी आंवला कैंडी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।